ओए ओए ओए, आप लोगों का स्वागत है एक और बेहतरीन रेडिट रिव्यू के एपिसोड में। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द मीम्स। एंड इवन आफ्टर स्पेलिंग शुभ एज शुभ विद एन एच, डोंट स्पेल शुभ विद एन एच, शुभ। बीस्ट बॉय शुभ में जब तुम एक्स्ट्रा एच लगाते हो ना, तो वो थोड़ा सा बेकार लगता है। लाइक बीस्ट बॉय शुभ एक सिमेट्रिकल वर्ड है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जब तुम बीस्ट बॉय शुभ के साथ एक एच जोड़ दो ना, तो वो थोड़ा अजीब सा नहीं लगता, टेढ़ा मेढ़ा सा, बहुत ही अजीब सा, मैं समझा नहीं पाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन अजीब लगता है। और शुब्बू तो शुब्बू ही है। दिस इज माई फेवरेट सब रेडिट r/4shub। आई एम 13, प्लीज सपोर्ट। ये 13, 14, 11, 12 साल के जितने भी बालक हैं जो ये यूट्यूब से रेडिट पे उठ के आ गए हैं, प्लीज पहले रूल्स पढ़ लो। और अपवोट की भीख मांगना तो सबसे घटिया काम है जो तुम कर सकते हो। डंडा कहाँ है? BBS, माय फादर। समझ सकता हूँ मैं, मेहनत करो अपने एग्जाम्स पे। ही प्रोटेक्ट, ही अटैक, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही ईट्स हिज पेट चिप्पू एज ए स्नैक। सो सैड। ये अनइंटेंशनली मैंने एनिमल अब्यूज किया था, वो भी अपने पेट पे। गुगलू, आई हैव द बेस्ट नेम, गुलगुली। माई नेम इज द वियर्डेस्ट, लाडू रानी। माई नेम हैज स्लैंग इन इट। यू गाइस आर गेटिंग नेम्स। इस बिल्ली को नेम जरूर मिलेगा, आई प्रोमिस। अगला काम सबसे पहले मैं यही करूंगा। आर यू फैमिली फ्रेंडली, बीस्ट बॉय शुभ? वेल यस, बट एक्चुअली नो। तुम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, मेरी वीडियोस देखते टाइम। इस बीस बॉय शुभ के अंदर ना 3-4 एक्टर्स छुपे हुए हैं, और कौन सा कब बाहर आ जाए तुम कुछ नहीं कह सकते। मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कह सकते। तो हेडफोन्स लगा के रखा करो प्लीज। सस्ते मार्वल सुपर हीरो। सीक्रेटली मैं क्या क्या हूं तुम लोगों को कुछ नहीं पता। ओके, हल्क, स्पाइडरमैन, नाइस। अब तो वैसे भी ऐसा ही सीन है, बाहर निकलो मैं इसकी हमेशा मास्क भूल जाता हूँ। याद आता है, अच्छा मास्क लेके जाना है। ये फेसबुक जोक था, आई एम सॉरी। हाउ BBS हर्ट चिप्पूज फीलिंग्स। गुगलू इधर आ, तू चिप्पू से मत मिल। अरे तुम लोग गलत समझ रहे हो यार, मैं चिप्पू को स्पेशल प्लेस दे रहा था अपने पूरे पेट वाले सिनेरियो में, ठीक है, क्योंकि चिप्पू मेरी फर्स्ट फ्रेंड थी, ठीक है। मैं नहीं चाहता था वो दूसरे नए पेट से इतनी जल्दी घुले मिले। बीस्ट बॉय शुभ मेक्स 3 वीडियोस, हिज एडिटर। सांस तो लेने दे भाई, तुम लोगों को मेरे एडिटर के लिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। सारी वीडियोस एडिट नहीं करता वो, और मैं उसे अच्छा खासा टाइम देता हूँ, है ना भूपेश? अरे आई एम रियली क्यूरियस कि ये कैसे बनाया। और ये दामेदा बहुत चल रहा है, आई थिंक ये याकूजा गेम से है, आई एम प्रीटी श्योर। और काफी अच्छी साउंड है यार, मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं इसके रिलेटेड। कितना अजीब लग रहा हूँ मैं। इसे रात को मत देखना है, डरावने सपने आएंगे, बट वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया है। डैम, अच्छा ये बात है तो प्यूडीपाई के घर जाना पड़ेगा मेरे को, है कब चुराया उसने मेरा प्यारा डोरेमोन। ओके दिस इज इनफ। बाप रे क्या कर रखा है, प्यूडीपाई को मेरे सब रेडिट पे एडिट करना बंद करो, और खासकर ऐसे, व्हाट द हेल इज दिस। बाप रे मुझे गंदे सपने आने वाले हैं आज। रिमेन प्योर, माइनक्राफ्ट ऑफरिंग हिम व्यूज। अच्छा स्टेप सिस्टर थी वो मेरी। ओके ओके, नहीं मैं उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। ओके शुभ व्लॉगिंग एट शॉप, अ रैंडम गाय। आई मीन तुम लोगों को मोस्टली ऐसा मिलेगा व्लॉगिंग के टाइम में ना, और ये रैंडम गाय इतना अनोइंग नहीं लगता जितना बाकी लोग लगते हैं जब वो ऐसे घूरते हैं, समझ रहे हो? लोगों की इंडिया में सबसे गंदी यही प्रॉब्लम है, सबसे गंदी जो प्रॉब्लम है ना लोगों की वो यही है, स्टेयरिंग। घूरते बहुत है लोग। डैम तुम लोगों को मेरा सीक्रेट पता चली गया। हाँ रेजिडेंट ईविल गेम खेलते टाइम मैंने बोला था कि मेरे को इस जैसा हेयर स्टाइल चाहिए, नहीं लेकिन सच में मैंने अचानक से अभी अभी देखा, मेरा कोई प्लान नहीं था, ठीक है, इस जैसा बनने का, लेकिन सच में कितना सिमिलर, नाइस आई गेस। आई कैन पुल इट ऑफ, या मैं वर्डिंग्स को माइंड में सोच रहा था क्या बोलना चाहिए। पीछे से धप्पा करता हूं, मजा आएगा यार। प्राइड नाम की चीज रखो यार, पीछे से अटैक कर रहे हो तो एनिमीज भी तो ज्यादा होते हैं। मैं अकेला, देखो जब मैं पीछे से अटैक करता हूँ उसे स्टेल्थ मोड कहते हैं, लेकिन जब वो 3-4 एनिमीज मिलके मेरे को पीछे से अटैक करते हैं उसे प्राइड ना होना कहते हैं, डिफरेंस समझो। मैं प्रो गेमर हूँ यार, मैं गलत हो सकता हूँ, नहीं ना? तुम लोगों की कोई पर्सनल दुश्मनी है मेरे से है क्यों? मतलब यार कवाल कितने सिमिलर लग रहे हैं। नहीं मेरा हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसे ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीजों से कंपेयर मत करो।
शो मी द बेस्ट 5-star डिश. आई सेड द बेस्ट परफेक्शन. ब्रेड और चाय का कॉम्बिनेशन कभी फेल नहीं हो सकता. शुभ लाफिंग एट जोल्स डेथ ऑल्सो शुभ. इसीलिए मैं कहता हूं मुझे स्पॉयलर्स बिल्कुल पसंद नहीं है. अगर स्पॉयलर ना हो तो तुम लोगों को एपिक रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं. मुझे भी तभी मजा आता है, वरना तो बस कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है जब मुझे पहले ही पता है, मैं क्यों कोई रिएक्शन दूंगा उस पर ना. एम आई राइट? डोंट वरी, आई एम इनटू ओल्डर वुमन. वी हैव गुड मॉम्स. ओ यह, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर. नहीं, मैं उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता. आई मीन, नहीं, मेरे को उसके बारे में पता भी नहीं था, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ. डैम. जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शुभ कॉमेंट सेक्शन. गेम रिकमेंडेशंस, माइनक्राफ्ट खेलो प्लीज. हु इज BBS बिगेस्ट फैन? लाइक हियर. अनॉइंग कॉमेंट्स. एवरीवन हु इज रीडिंग दिस, मे योर सारे पेरेंट्स 100-100 साल जिएंगे. पता है पॉपुलेशन की हालत क्या हो जाएगी? इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी भी मत रखो. और पेरेंट्स बस, बच्चों का क्या होगा? पेरेंट्स तो फिर भी ठीक ठाक जी रहे हैं, बच्चों पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस है स्टडी वगैरह को लेके. देखा, मैं तुम लोगों की फीलिंग्स समझ सकता हूँ. Simping for BBS to get featured in a video. Simping for Bhupesh YT because he decides who gets in the video. Bhupesh YT love. Bhupesh ko bahut pyar milne wala hai mere Reddit pe. Ajay Devgan, tera time gaya. We have to be in our limits taki hum log kisi ko offend na kare. अजय देवगन के फैंस है क्या मेरी कमेंट सेक्शन में? तुम यार ऑफेंड हो जाओगे यार, ऐसा करोगे. तुम लोगों को मानना पड़ेगा यार, अजय देवगन से ज्यादा सेक्सी लग रहा हूँ मैं. माइनक्राफ्ट फैन आर्ट नॉन कॉपीराइट म्यूजिक. इट टुक मी 4 hours टू बिल्ड इट. लेट्स गो. वेट, ये ब्लॉक्स गिर रहे हैं? सॉरी, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ. मैं बिल्कुल पेशेंट नहीं हूँ. मैं बहुत ही लेजी बंदा हूँ. मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं. मैं उस टाइप का बंदा हूँ. आई एम सो सॉरी. गिर रहे हैं. अमेजिंग यार, बंदे कितनी मेहनत करते हैं माइनक्राफ्ट में. नाइस, वेरी इंप्रेसिव. इंडियंस व्हेन देयर रिमोट कंट्रोल्स डू नॉट वर्क. एक्चुअली या ये अभी भी करता हूँ मैं. आई मीन, तुम लोगों को यार और कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं. तुम लोग इसे सर्विस सेंटर लेके जाओगे क्या इतनी छोटी सी चीज के लिए? 3-4 बार दीवार पे पटको, सब चलता है. फोन का भी ऐसा ही सिस्टम है. कुछ नहीं चल रहा, स्विच ऑफ करके ऑन कर लो, एवरीथिंग इज फाइन. टेस्ट में बेस्ट मम्मी और नाइस नाइस. ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक डैंक मीम्स. नॉर्मी मीम मी. कमेंटर्स का तुम बोल भी नहीं सकते कौन है कमेंट करने के पीछे, राइट? कितने साल का बालक है वो? 12 साल का भी हो सकता है, लेकिन दर्द उतना ही होता है. ये एक्चुअली ये मीम ना बहुत अच्छी तरह एक यूट्यूबर की लाइफ दिखाता है. लाइक कोई 10 साल का बच्चा कोई हेट कमेंट कर देगा ना, यूट्यूबर को दर्द उतना ही होगा जैसे किसी बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे ने उसे जज किया हो. इस पे बंदों ने 250 अपवोट्स करे हैं, तो तुम लोग चाहते हो मैं इस वाली फैन आर्ट पे रिएक्ट करूं, राइट? ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है मैं ऐसी फैन आर्ट पे रिएक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज वरना लोगों को लगेगा मैं इन्हीं चीजों को अटेंशन देता हूँ और वो 10-12 और डाल देंगे ऐसी रेडिट पे डाउनवोट पे आस्की. आई नो दे मेड इट यूजिंग फोटोग्राफ्टर. ओके, सो मैंने ये वीडियोस देखी हैं जिसमें ये फोटो बनाते हो माइनक्राफ्ट में, और ये बहुत ईजी है मेरे हिसाब से. आई मेड इट इन माइनक्राफ्ट, टुक मी अबाउट 3 weeks, एंड आई मेड इट बाय वूल एंड ऑब्सीडियन एंड अपवोड, सो दैट दिस पिक्सल आर्ट मेड बाय मी, इट टुक 3 days टू मेक. इन लोगों को शर्म क्यों नहीं आती यार? ये पोस्ट करते हुए भी मेरे को ये समझ में नहीं आता. लाइक गिल्टी फील नहीं होता? बुरा फील नहीं होता? खुद ऐसी घटिया मीम्स और ऐसी घटिया पोस्ट. FB वाले बंदे हैं ये, आई एम डेफिनेटली श्योर भाई. फेसबुक पे इतने घटिया पोस्ट देखे हैं मैंने, उल्टी करने का मन करता है. ये वही वाले बंदे हैं, तो ऐसे पोस्ट करना बंद करो. BBS, हिज साइकिल अदर इक्विपमेंट ही ब्रॉट टू रिड्यूस वेट. यार अदर इक्विपमेंट्स यूज करना ना बहुत बोरिंग सा है. साइकिल में एटलीस्ट मजा आता है, ठीक है? मेरे को बाहर जाने का मौका मिलता है. वैसे भी आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, मॉनसून मौसम है, तो मजा आता है साइकिल चलाने में. दूसरे इक्विपमेंट्स बोरिंग लगते हैं बड़े. नॉट अ फिल्टर, आई होप यू लाइक इट. शो BBS बिजार एडवेंचर. बाय द वे जोजो भाई, बड़ी बैड एस एनिमे है यार, मजा आ गया. यारे यारे दसे अपोर्ट, वेरी नाइस. मेरे स्टैंड का नाम क्या होगा बाय द वे? कमेंट करके बताना. Neither a 13-year-old nor an editor, a true loving fan of these boys. Shubh. Very nice. Did you know Simon Says is the only YouTuber to successfully bring 50,000 normies to Reddit? Beast Boy Shubh. How cute. Ise Japanese voice mein bolu? Kawaii koto.
ऐसी कुछ बोलती है वो, मैंने एनीमे देखी है। बाय द वे या 17K ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे रेडिट पे, टेंशन ना लो, साइमन सेज को हम यूं पार कर जाएंगे उसे पता भी नहीं चलेगा। भिड़ ले साइमन, देखते हैं किसमें है कितना दम। बेइज्जती ना करा देना यार, फॉलो कर लो इस रेडिट को। बीस वर्ष इज प्लेइंग ओनली लास्ट ऑफ अस 2 एंड निहो बिकॉज ही वांट्स टू क्विकली कंप्लीट देम फर्स्ट एंड देन स्टार्ट माइनक्राफ्ट पीसफुली, सो बी पेशेंट एंड एंजॉय हिज वीडियोस। इनिशियली मेरा प्लान यही था, बट धीरे धीरे मेरे को लास्ट ऑफ अस 2 में बहुत ज्यादा मजा आने लगा, इसीलिए ज्यादातर आप लोगों को लास्ट ऑफ अस 2 की वीडियोस मिल रही हैं। बट या ये भी एक फैक्टर है इस चीज में, बीबीएस नेवर सीन, या ये बात सच है एक्चुअली। एंड मैं काफी बार सोच रहा था इस बारे में कि मेरे को एमरल्ड ओर कभी नहीं मिली यार, आई मीन डायमंड से भी ज्यादा रेयर है वो, लेकिन खैर चाहिए किसे, मैं विलेजर्स को लूट रहा हूँ वही बहुत। ओके फेलोज, आज के रेडिट रिव्यू एपिसोड के लिए बस इतना ही। प्लीज इस सब रेडिट पे एक डिसेंट रेडिटर की तरह बिहेव करो, मेरी बात मानो, मैं एक प्रोफेशनल गेमर हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। बाकी अगर आप लोगों को भी अपनी स्किल्स दिखानी है तो आ जाइए इस रेडिट पर और ज्वाइन करिए हमारा सब रेडिट, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है नोटिफिकेशन बेल के साथ तो कर दो यार, 2 सेकंड लगते हैं। इससे क्या होगा ना, आगे आने वाले रेडिट रिव्यूज आप लोग गलती से भी मिस नहीं करोगे। बाकी मैं चला, गुड बाय।